दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ZQR मोबाइल ट्रिक्स। आज मेरे पास मोबाइल आया है ओप्पो FE QI प्रो 5G वाटर डैमेज। मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगा आज वाटर डैमेज मोबाइल कैसे बनाते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से और सिक्योर तरीके से ये सारा कुछ सिखाऊंगा, ये आपने कैसे करना है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने, बीच में स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल सकेगा ये कैसे बनाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा इसमें क्या करना है, इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या होता है। बिना देर के इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेसर क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं सिखाऊंगा बताऊंगा आप दोस्तों को। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंचता रहे। शुक्रिया। इसको ओपन कर लेते हैं, पूरे का पूरा इसको ओपन करना है, खोलना है पूरे का पूरा मोबाइल। ऐसे नहीं है कि वो बैटरी निकालनी है, ये करना है, नहीं, पूरे का पूरा मोबाइल जो है आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही मैं करता जाता हूँ आपने भी वैसे ही करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन कर दिया है, पूरे नट जो है खोल लिए हैं मैंने। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ही इसको पता चलेगा इसमें क्या मसला है। वाटर डैमेज 3 घंटे से वो पड़ा हुआ था, कस्टमर ने इससे बोला है मेरे को। इसको सिक्योर तरीके से हमने इसको ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं, इसके ग्रिप जो हैं आपने ध्यान से करने हैं। बैटरी हमने निकाल ली है, अभी जो है हम स्टेप बाय स्टेप इसके जो हैं ग्रिप जो हैं वो निकालेंगे, क्योंकि ये वाटर डैमेज है, फुल्ली वाटर डैमेज है। इसको ध्यान से आपने इसको ये करना है। ये आपने जल्दी नहीं करनी है, ध्यान से ही करना है ये सारा काम, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह। ये जो है हमने ग्रिप निकाल दिए हैं, अभी इसको बोर्ड को जो है ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे बोर्ड को। बोर्ड को बाहर निकालने के बाद आगे का प्रोसेसर करेंगे। ये हमने जो है बोर्ड को ये निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं, अभी भी इसमें पानी पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको जो है अच्छे तरीके से इसको जो है आपने अच्छे तरीके से हीटअप करना है। पहले जो है आपने वॉश करना है इसको, वॉश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हीटअप करना है। ये आप देख सकते हैं मैं हीटअप कर रहा हूँ इसको, आपने इसी तरह इसको हीटअप करना है। हीटअप करने के बाद आगे का प्रोसेसर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपने हीटअप भी अच्छे तरीके से करना है, एक जगह पर नहीं करना है, पूरे बोर्ड पर ये अप्लाई करना है। जो LCD है जिसको पैनल बोलते हैं, उसको भी आपने हल्का हीटअप करना है, क्योंकि नीचे इसके पानी होता है। इसको भी आपने हीटअप करना है, क्योंकि इसमें नीचे जो है इसका पानी रुका होता है, वो भी सूख जाए अच्छे तरीके से। मैंने इसको हीटअप कर रहा हूँ इसको,
ये आप देख सकते हैं, आपने भी इसी को हीटअप करना है, अच्छे तरीके से हीटअप करना है, ज़्यादा भी नहीं करनी है, कम भी नहीं करनी है। इसको जो है आपने 250 पर ही हीटअप करना है, 250 के ऊपर नहीं करना हीटअप, 250। इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। ये देखें कैमरे वाली जगह पर भी पानी पड़ा हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। ये ग्रिप जो है वो भी आपने अच्छे तरीके से चेकआउट करने हैं, क्या इसमें पानी रुका हुआ तो नहीं है। अभी जो है हम इसमें बोर्ड फिट कर आपको चेक करवाते हैं, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इंशाल्लाह हमारा बोर्ड ये ओके हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर डैमेज था, इसको हमने प्रॉपरली हीटअप भी किया है, पानी भी निकाला है, इसका पैनल से भी पानी निकाला है। ये हमने अच्छे तरीके से इसको ग्रिप सारे लगा देने हैं, ग्रिप लगाने के बाद हमने इसको स्टार्ट करना है। ये आप देख सकते हैं हमने इसको जो है पूरा फिटिंग कर लिया है, ग्रिप लगा देने लगाने के बाद हमने इसको स्टार्ट करना है। ये आप देख सकते हैं हमने सारा कुछ कर दिया है, इसमें बैटरी भी लगा दी है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे को पूरा यकीन है कि ये मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पानी था वो सारा निकल गया है। देखते हैं क्या है। ये देखें, ये हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। ये देखें मोबाइल हमारा चल रहा है। ये वाटर डैमेज था, ये मोबाइल ऑन हो चुका है, पानी इसका सूख गया है, सारा जो पानी था वो सूख गया है। उनमें मैंने एलसीडी पर भी हीटअप दी है, बोर्ड को भी हीटअप किया है, जो भी पानी था वो हमने निकाल दिया है इसमें। अभी जो है ये वर्किंग मोड पर आ चुका है। ये देखें टच भी अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। ये देखें आप बिल्कुल ही ओके, अच्छे तरीके से ये टच इसका वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट भी वर्क कर रहा है, सारा कुछ बिल्कुल ही ओके हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो।